हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। देखो फ्रेंड्स, आज मैं ये ब्यूटीफुल डिज़ाइन लेके आई हूँ। ये डिज़ाइन 16 रोज़ का डिज़ाइन है, वही 16 रोज़ आपको रिपीट करते जाना है पूरी प्रोजेक्ट में। देखिए बहुत ही ब्यूटीफुल डिज़ाइन है। इस डिज़ाइन को आप स्वेटर, कार्डिगन, बेबी स्वेटर, जैकेट, फ्रॉक किसी भी प्रोजेक्ट में डालिए, बहुत ही सुंदर बन के आएगा। रॉन्ग साइड पे ऐसे दिखता है। इस डिज़ाइन को बनाने के लिए आपको ट्वेल्व का मल्टीपल में फंदे लेना होगा और प्लस वन करना होगा, मल्टीपल ऑफ ट्वेल्व प्लस वन। इसमें मैंने ट्वेल्व का मल्टीपल करके 24 प्लस वन कर लिया है, टोटल 25 कर लिया है। फर्स्ट रो शुरू करते हैं। फर्स्ट रो एक फंदे से स्लिप करिए एज स्टिच, फिर एक फंदा सीधा धागा आगे। अब यहाँ से रिपीट पैटर्न स्टार्ट करना है आपको। जाली डालेंगे इस तरह से उल्टे की साइड से, तीन फंदा उल्टा, एक दो तीन, धागा पीछे। अब तीन फंदों को एक फंदा बनाना है। दो फंदों को इस तरह से स्लिप करिए इस तरह से, फिर एक फंदा को सीधा, ये दो स्लिप फंदा, आगे वाला फंदा को ऊपर से इस तरह से पास वर्क कर देना है। ये दो स्लिप फंदा, इस तरह से पास ओवर कर देना है। तीन फंदा का एक फंदा हो गया, धागा आगे, फिर तीन फंदा उल्टा, एक दो तीन, धागा पीछे, जाली डालना है इस तरह से। अब तीन फंदा सीधा, एक दो तीन। अब ये रिपीट करना है आपको। ये दो फंदा को छोड़कर यहाँ से स्टार्ट हुआ है रिपीट पैटर्न, आपको रिपीट करना है। यार्न ओवर, तीन फंदा उल्टा, एक दो तीन, तीन फंदों का एक फंदा बनाना है, फिर तीन फंदा उल्टा, एक दो तीन, यार्न ओवर, तीन फंदा सीधा, एक दो तीन। इन्हीं फंदों का आपको बार बार रिपीट करना है। फिर से रिपीट करना है आपको। धागा आगे, जाली डालेंगे इस तरह से, तीन फंदा उल्टा, एक दो तीन, धागा पीछे। अब इस तीन फंदों का एक फंदा बनाएंगे। दो फंदों को इस तरह से स्लिप करिए, फिर एक फंदा को सीधा, ये दो स्लिप फंदा, आगे वाला फंदा को ऊपर से इस तरह से पास ओवर कर देना है इस तरह से। फिर धागा आगे, तीन फंदा उल्टा, एक दो तीन, धागा पीछे, जाली डालेंगे इस तरह से। अब लास्ट में आपको एक फंदा सीधा, फिर एज स्टिच भी सीधा। सेकेंड रो पूरी सिलाई आपको उल्टा उल्टा बुन के कंप्लीट करना है। सेकेंड रो हर रंग साइड आपको उल्टा उल्टा ही बुनना है। पूरी सिलाई आपको उल्टा उल्टा बुन के कंप्लीट करना है। थर्ड रो एक फंदे से स्लिप करिए एज स्टिच। अब यहाँ से रिपीट पैटर्न स्टार्ट करना है आपको। दो फंदा सीधा, एक दो, धागा आगे, जाली डालेंगे उल्टे की साइड से इस तरह से। अब दो फंदा उल्टा, एक दो, धागा पीछे। अब तीन फंदों का एक फंदा बनाना है। ये उल्टा फंदा, सीधा फंदा, उल्टा फंदा, आपको ये तीन फंदों का एक फंदा बनाना है। दो फंदों को इस तरह से स्लिप करिए, एक फंदा सीधा, ये दो स्लिप फंदा, आगे वाला एक फंदा के ऊपर से आपको इस तरह से पास वर्क कर देना है इस तरह से। अब धागा आगे, अब यहाँ दो फंदा उल्टा, एक दो, धागा पीछे, जाली डालेंगे यहाँ इस तरह से। अब ये तीन फंदा सीधा, एक दो तीन। अब ये रिपीट करना है आपको। एज स्टिच को छोड़कर यहाँ से स्टार्ट हुआ है रिपीट पैटर्न, आपको रिपीट करना है। दो फंदा सीधा, एक दो, यार्न ओवर, दो फंदा उल्टा, फिर तीन फंदों का एक फंदा बनाना है, फिर दो फंदा उल्टा, यार्न ओवर, फिर तीन फंदा सीधा, एक दो तीन। इन्हीं फंदों का आपको बार बार रिपीट करना है। फिर से रिपीट करना है आपको इन्हीं फंदों को। धागा पीछे, यहाँ से रिपीट करना है। दो फंदा सीधा, धागा आगे, जाली डालेंगे इस तरह से। अब दो फंदा उल्टा, एक दो, धागा पीछे। अब इस तीन फंदों को एक फंदा बनाना है। दो फंदों को इस तरह से स्लिप करिए, फिर एक फंदा को सीधा बुनिए, ये दो स्लिप फंदा, आगे वाला एक फंदा को ऊपर से आपको इस तरह से पास ओवर कर देना है इस तरह से। अब धागा आगे, अब दो फंदा उल्टा, एक दो, धागा पीछे, जाली डालेंगे यहाँ इस तरह से। लास्ट में आपको दो फंदा सीधा, एज स्टिच भी सीधा। लास्ट में आपको तीन फंदा सीधा आएगा। फोर्थ रो पूरी सिलाई आपको उल्टा उल्टा बुन के कंप्लीट करना है। फोर्थ
छोड़ दो, पूरी सलाब को उल्टा उल्टा ही बुनना है। फिप्रो एक फंदे से स्लिप करिए एजस्टिस। अब यहाँ से रिपीट पैटर्न स्टार्ट करना है आपको। अब यहाँ तीन फंदा सीधा, एक दो ए तीन, धागा आगे जाली डालेंगे इस तरह से। यहाँ आपको एक फंदा उल्टा, धागा पीछे। अब इस तीन फंदों का एक फंदा बनाना है। दो फंदों इस तरह से स्लिप करिए, फिर एक फंदा को सीधा बुनिए। ये दो स्लिप फंदा आगे वाला फंदा को ऊपर से इस तरह से पास ओवर कर देना है, इस तरह से गिरा देना है आपको। तीन फंदों का एक फंदा हो गया, धागा आगे, फिर इस साइड में भी आपको एक फंदा उल्टा बुनना है, धागा पीछे, जाली डालेंगे इस तरह से। आप चार फंदा सीधा, एक दो तीन चार। अब ये रिपीट करना है आपको एजस्ट इसको छोड़कर। यहाँ से स्टार्ट हुआ है रिपीट पैटर्न, आपको रिपीट करना है। तीन फंदा सीधा, एक दो तीन, यार्न ओवर, एक फंदा उल्टा, तीन फंदों का एक फंदा बनाना है, फिर एक फंदा उल्टा, यार्न ओवर, चार फंदा सीधा, दो चार। इन्हीं फंदों का आपको बार बार रिपीट करना है, फिर से रिपीट करना है आपको इन्हीं फंदों को। यहाँ से धागा पीछे, तीन फंदा सीधा, एक दो तीन, देखिए बीच में आपको सात फंदा सीधा आएगा, धागा आगे, जाली डालेंगे इस तरह से। अब एक फंदा उल्टा, धागा पीछे। अब इस तीन फंदों का एक फंदा बनाएंगे, दो फंदा इस तरह से स्लिप करेंगे, फिर एक फंदा सीधा, ये दो स्लिप फंदा आगे वाला फंदा को ऊपर से इस तरह से पास ओवर कर देना है इस तरह से। फिर धागा आगे, फिर इस साइड में भी एक फंदा उल्टा, धागा पीछे, जाली डालेंगे इस तरह से। अब लास्ट में आपको तीन फंदा सीधा, एक दो तीन, एच स्टिच भी सीधा। सिक्स रो पूरी सलाब आपको उल्टा उल्टा बुन के कंप्लीट करना है। सिक्स रो पूरी सलाब आपको उल्टा उल्टा बुन के कंप्लीट करना है। सेवेंथ रो एक फंदे से स्लिप करिए एज स्टिच। अब यहाँ से रिपीट पैटर्न स्टार्ट करना है आपको। चार फंदा सीधा, एक दो तीन चार। अब यहाँ जाली डालेंगे इस तरह से। अब इस तीन फंदों का एक फंदा बनाएंगे, दो फंदों को इस तरह से स्लिप करेंगे, फिर एक फंदा को सीधा बुनिए। ये दो स्लिप फंदा आगे वाला एक फंदा को ऊपर से इस तरह से पास ओवर कर देना है इस तरह से। अब फिर से जाली डालेंगे इस तरह से यहाँ। अब पांच फंदा सीधा, एक दो तीन चार पाँच। अब ये रिपीट करना है आपको एच टीज को छोड़कर। यहाँ से स्टार्ट हुआ है रिपीट पैटर्न, आपको रिपीट करना है। चार फंदा सीधा, दो चार, यार्न ओवर, तीन फंदों का एक फंदा बनाना है, फिर यार्न ओवर, फिर पांच फंदा सीधा, दो चार पाँच। इन्हीं फंदों का आपको बार बार रिपीट करना है, फिर से रिपीट करना है आपको इन्हीं फंदों को। यहाँ से चार फंदा सीधा, एक दो तीन चार, देखिए आपको बीच में आपको नौ फंदा सीधा आएगा, फिर जाली डालेंगे इस तरह से। अब इस तीन फंदों का एक फंदा बनाएंगे, दो फंदों को इस तरह से स्लिप करेंगे, फिर एक फंदा को सीधा, ये दो स्लिप फंदा आगे वाला फंदा को ऊपर से इस तरह से पास ओवर कर देना है इस तरह से। फिर जाली डालेंगे इस तरह से। लास्ट में आपको चार फंदा सीधा, एक दो तीन चार, एज स्टिच भी सीधा, पांच। लास्ट में आपको पांच फंदा सीधा। एट रो पूरी सलाब आपको उल्टा उल्टा बुन के कंप्लीट करना है। एट रो एट रो पूरी सलाब आपको उल्टा उल्टा बुन के कंप्लीट करना है। नाइन्थ रो में आपको इस डिजाइन को आप यहाँ बनाएंगे, इस डिजाइन को आप यहाँ बनाएंगे। एक फंदे से स्लिप करिए एज स्टिच। अब यहाँ अब दो फंदों का एक फंदा बनाएंगे पीछे की साइड से। दो फंदों का एक फंदा बनाएंगे, फर्स्ट फंदों को इस तरह से सीधा बनाएंगे, फिर पीछे से दो फंदों का एक फंदा बनाएंगे, धागा आगे। अब यहाँ से रिपीट पैटर्न स्टार्ट करना है आपको। दो फंदा उल्टा, एक दो, धागा पीछे, जाली डालेंगे इस तरह से। अब तीन फंदा सीधा, एक दो तीन,
धागा आगे, फिर से जाली डालेंगे इस तरह से उल्टी की साइड से। अब तीन फंदा उल्टा, एक दो तीन, धागा पीछे। अब इस तीन फंदों का एक फंदा बनाएंगे, तीन फंदों का एक फंदा बनाएंगे, दो फंदा इस तरह से स्लिप करेंगे, फिर एक फंदा को सीधा, ये दो स्लिप फंदा आगे वाला फंदा के ऊपर से इस तरह से पास ओवर कर देना, इस तरह से धागा आगे। अब एक फंदा उल्टा, देखिए अब यहाँ से दो फंदों को छोड़कर यहाँ से स्टार्ट हुआ है रिपीट पैटर्न, आपको रिपीट करना है। एक दो फंदा उल्टा, एक दो, फिर यार्न ओवर, फिर तीन फंदा सीधा, एक दो तीन, यार्न ओवर, तीन फंदा उल्टा, एक दो तीन, फिर तीन फंदों का एक फंदा बनाना है, फिर एक फंदा उल्टा। आपको इन्हीं फंदों का आपको बार बार रिपीट करना है, फिर से रिपीट करना है आपको इन्हीं फंदा को। दो फंदा उल्टा, एक दो, देखिए आपको यहाँ तीन फंदा उल्टा आएगा। धागा पीछे, जाली डालेंगे इस तरह से, अब तीन फंदा सीधा, एक दो तीन, धागा आगे, फिर जाली डालेंगे इस तरह से। अब आपको दो फंदा उल्टा, लास्ट में आपको दो फंदा उल्टा, धागा पीछे, लास्ट में दो फंदा उल्टा, धागा पीछे। अब दो फंदों का एक फंदा बनाना है, ये दो फंदों का एक फंदा बनाना है आगे की साइड से इस तरह से, फिर एज स्टिच सीधा। टेंथ रो, टेंथ रो पूरी सलाब को उल्टा उल्टा बुन के कंप्लीट करना है। टेंथ रो इलेवन रो, इलेवन रो एक फंदे से स्लिप करिए एज स्टिच। अब दो फंदों का एक फंदा, ये दो फंदों का एक फंदा बनाएंगे, फर्स्ट फंदों को इस तरह से सीधा करेंगे, पीछे से दो फंदों का एक फंदा बनाएंगे, धागा आगे। अब यहाँ से रिपीट पैटर्न स्टार्ट करना है आपको, एक फंदा उल्टा, धागा पीछे, जाली डालेंगे इस तरह से। अब पांच फंदा सीधा, एक दो तीन चार पांच, धागा आगे, फिर से जाली डालेंगे इस तरह से। अब दो फंदा उल्टा, एक दो, धागा पीछे। अब तीन फंदों का एक फंदा बनाना है, तीन फंदों को एक फंदा बनाना है, दो फंदा किस तरह से स्लिप करिए, फिर एक फंदा का सीधा, ये दो स्लिप फंदा आगे वाला फंदा के ऊपर से इस तरह से पास ओवर कर देना है, इस तरह से धागा आगे, एक फंदा उल्टा। अब ये रिपीट करना है आपको, ये दो फंदों को छोड़कर यहाँ से स्टार्ट हुआ है रिपीट पैटर्न, आपको रिपीट करना है। एक फंदा उल्टा, यार्न ओवर, पाँच फंदा सीधा, दो चार पाँच, यार्न ओवर, फिर दो फंदा उल्टा, फिर तीन फंदों का एक फंदा बनाना है, फिर एक फंदा उल्टा। इन्हीं फंदों का आपको बार बार रिपीट करना है, आपको कितना बार रिपीट करना है आपको, लास्ट में आपको दो चार छः आठ नौ दस फंदा बचेगा। इसको क्या करना है देखिए, एक फंदा उल्टा, धागा पीछे, जाली डालेंगे इस तरह से, फिर पांच फंदा सीधा, एक दो तीन चार पांच, पांच फंदा सीधा, धागा आगे, जाली डालेंगे इस तरह से, इस तरह से जाली डालेंगे। अब दो, अब एक फंदा उल्टा, लास्ट में आपको एक फंदा उल्टा, धागा पीछे। अब दो फंदों का एक फंदा बनाएंगे आगे की साइड से, एज स्टिच सीधा। टू बेल रो, टू बेल रो पूरी सलाब आपको उल्टा उल्टा बुन के कंप्लीट करना है। टू बेल रो थर्टीन रो, थर्टीन रो एक फंदा से स्लिप करिए एज स्टिच। अब यहाँ दो फंदों का एक फंदा बनाना है, फर्स्ट फंदों को इस तरह से सीधा बनाएंगे, फिर पीछे से दो फंदों का एक फंदा बनाएंगे इस तरह से। अब यहाँ से रिपीट पैटर्न स्टार्ट करना है आपको, जाली डालेंगे इस तरह से। अब सात फंदा सीधा, एक दो तीन चार पाँच छः सात, धागा आगे, जाली डालेंगे इस तरह से उल्टे की साइड से। अब एक फंदा उल्टा,
धागा पीछे। अब तीन फंदों को एक फंदा बनाना है। ये दो फंदा किस तरह से स्लिप करेंगे, फिर एक फंदा सीधा, ये दो स्लिप फंदा आगे वाला फंदा को ऊपर से इस तरह से पास वर्क कर देना, इस तरह से धागा आगे। अब एक फंदा उल्टा। अब इन्हीं फंदों को आपको बार बार रिपीट करना है। ये दो फंदों को छोड़कर यहाँ से स्टार्ट हुआ है रिपीट पैटर्न, आपको रिपीट करना है। यार्न ओवर, सात फंदा सीधा, दो चार छः सात, यार्न ओवर, एक फंदा उल्टा, फिर तीन फंदों को एक फंदा बनाना है, फिर एक फंदा उल्टा। आपको इन्हीं फंदों को आपको बार बार रिपीट करना है। आपको कितना बार रिपीट करना है, लास्ट में आपको दो चार छः आठ आठ दस, दस फंदा बचेगा। आपको रिपीट करते जाने के बाद आपको लास्ट में दस फंदा बचेगा। इसको क्या करना है, देखिए, धागा पीछे, जाली डालेंगे इस तरह से, सात फंदा सीधा, एक दो तीन चार पाँच छः सात, सात फंदा सीधा, जाली डालेंगे इस तरह से। अब दो फंदों को एक फंदा बनाएंगे, लास्ट में आपको दो फंदों को एक फंदा बनाएंगे, फिर लास्ट का एज स्टिच सीधा। 14 रो, 14 रो पूरी सेल आपको उल्टा उल्टा बुन के कंप्लीट करना है। 14 रो, फिफ्टीन रो, एक फंदे से स्लिप करिए एज स्टिच। अब एक फंदा सीधा। अब ये दो फंदा बुनने के बाद आप यहाँ से रिपीट पैटर्न स्टार्ट करना है आपको। नौ फंदा सीधा, एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ, नौ फंदा सीधा, जाली डालेंगे इस तरह से। अब तीन फंदों का एक फंदा बनाना है। दो फंदा किस तरह से स्लिप करेंगे, फिर एक फंदा को सीधा, ये दो स्लिप फंदा आगे वाला फंदा को ऊपर से इस तरह से पास वर्क कर देना है, इस तरह से तीन फंदों का एक फंदा हो गया, फिर जाली डालेंगे इस तरह से। आपको ये रिपीट करना है बार बार, आपको रिपीट करना है। ये दो फंदों को छोड़कर यहाँ से स्टार्ट हुआ है रिपीट पैटर्न, आपको रिपीट करना है। नौ फंदा सीधा, दो चार छः सात आठ नौ, यार्न ओवर, तीन फंदों का एक फंदा बनाना है, फिर यार्न ओवर। आपको इन्हीं फंदों का आपको बार बार रिपीट करना है। लास्ट में आपको रिपीट करना है, फिर से इन्हीं फंदों का आपको रिपीट करना है। यहाँ से नौ फंदा सीधा, एक दो तीन तीन चार पाँच छः सात आठ नौ, नौ फंदा सीधा, जाली डालेंगे इस तरह से, इस तरह से। लास्ट में आपको ये दो फंदों को एक फंदा बनाना है लास्ट में। सिक्सटीन रो, पूरी सिला आपको उल्टा उल्टा बुन के कंप्लीट करना है। 16 रो, देखिए फ्रेंड, ये डिजाइन 16 रो का डिजाइन है। 16 रो में ऐसे डिजाइन बन के आएगा। आपको रिपीट करते जाना है, 1 to 16 रो, 16 रो रिपीट करते जाना है आपको पूरी प्रोजेक्ट में। अब यहाँ से 1 रो स्टार्ट करना है आपको, देन रिपीट करते जाने के बाद आपको ऐसे ब्यूटीफुल डिजाइन बन के आएगा। लास्ट में मेरे चैनल को लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू।